चलो बच्चा शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से एक्स का वैल्यूज को फाइंड करना है। तो फटाफट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड एक्स, और इसमें लिखा हुआ है -1/7। तुम लोग को स्क्रीन साफ साफ दिख रहा है ना, और मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। -1/7 to the power -5 डिवाइडेड बाई -1/7 to the power -7 इक्वल्स टू -7 to the power x। कई बार तुम लोगों को बताए हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमको x का वैल्यू फाइंड करना रहे, तो हम किस चीज को इक्वल करते हैं, बेस को। बहुत ही बढ़िया, बेस को इक्वल करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेस तो इसका यहां पर है -7, लेकिन यहां पर बेस है -1/7 और यहां पर है -1/7, यानी बेस को रेसिप्रोकल करना होगा, -1/7 को रेसिप्रोकल करना होगा। बच्चा जब भी हम लोग बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर में क्या करते हैं, पावर का साइन साइन चेंज करते हैं। तो इस -1/7 को हम -7 लिख रहे हैं। एक्चुअली कर क्या रहे, -1/7 को रेसिप्रोकल कर दो, -1/7 में 7 को ऊपर ले जाओ और 1 को नीचे ले आओ, तब ये बन जाएगा -7/1, यानी कि हो जाएगा -7। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो 7/-1 होता है, तो बच्चा 7/-1 ही -7 होता है, क्योंकि माइनस हम कभी भी नीचे नहीं लिखते, माइनस को हमेशा हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो 7/-1 -7 ही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम यहां कर लिए तो -7 का पावर ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय सेम चीज -7/7 इक्वल्स टू -7/x। यहां तक किसी को परेशानी? बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमको दो टर्म्स दिख रहा है, इनका बेसिस सेम है और टर्म्स डिवाइड में है, तो जब भी ऐसा होता है तो पावर को क्या करते हैं, बहुत बढ़िया, तो -7/5 -7 = -7/x। यहां पर हो जाएगा -7/5 - 7 कितना होता है बच्चा, -2, और यहां पर x हो गया। अब हम लिखेंगे यहां पर इक्वेटिंग द पावर्स, तो -2 = क्या आ जाएगा, x, और हमारा आंसर हो गया -2। क्लियर हो गया? चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन उतार लो कॉपी में जल्दी। 2/5 का पावर 2x + 6 इंटू, हाँ ठीक है, बना देंगे, पहले सेकंड वाला करते हैं फिर थर्ड वाला भी करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे, परेशान मत हो। सब लोग उतार दिए क्वेश्चन, ठीक है। 2/5 का पावर 2x + 6, ठीक है। इसके बाद इंटू 2/5 का पावर 3 इंटू 2/5 का पावर 3 इक्वल्स टू 2/5 का पावर x + 2, 2/5 का पावर x + 2। ये तो बहुत ही सिंपल है, दोनों का सबका बेस सेम है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2/5 का पावर 2x + 6 + 3, और यहां पर ये हो जाएगा 2/5 के पावर में x + 2। इसका मतलब हो गया 2x + 9 = x + 2, तो x कितना हो गया बच्चा, -7 आ गया। सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं।
टू टू द पावर एक्स प्लस टू टू द पावर एक्स, ये था नंबर टू, थर्ड हमारा है। और देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टू टू द पावर एक्स प्लस टू टू द पावर एक्स प्लस टू टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 192। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से क्या अलग है? देखो हाँ तो बनाओ, बनाए हुए हैं तो बना लो। आंसर बताओ ना, तुम बनाए हो तो। सुनो मेरा बात, जो पिछला क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन है नंबर टू, इसमें जो बेस है ना वो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड हैं। गौर करो, यहां जो सॉल्व किए हैं, यहां जो सॉल्व किए, इसमें भी ये वाला टर्म डिवाइडेड में था, या मतलब या तो मल्टीप्लाई में है या तो डिवाइडेड में है, जिसके लिए पावर हम लोग सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए ऐड कर सकते हैं, डिवाइड के लिए पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो टर्म्स मल्टीप्लाइड और डिवाइड में नहीं है बल्कि प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यहाँ पर टू का पावर एक्स है, फिर से टू का पावर एक्स है, और फिर से टू का पावर एक्स है, कितनी बार है, कितनी बार है बच्चा? तो इसको लिख देंगे 3 टाइम्स 2 टू द पावर x, जिसका वैल्यू है 192। सही है। अब 3 से कैंसिल करेंगे 192 को, कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 64 बार में, मतलब हो गया 2 का पावर x इक्वल टू 64। एंड ऑल ऑफ वी नो दैट 64 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 6। हो गया आंसर। चलो चौथा वाला क्वेश्चन क्या था बच्चा? अच्छा ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ये जो 1 है ना, इस 1 को लिख देंगे -6/7 के पावर में 0, क्योंकि 1 का मतलब होता है एनीथिंग टू द पावर 0, तो उस हिसाब से x माइनस सेवन का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो गया क्लियर? इस क्वेश्चन को लिख रहे 5 वाले को, 2 टू द पावर 3x इक्वल टू 8 टू द पावर 2x प्लस 1, इसको लिख रहे हैं 2 टू द पावर 3x इक्वल टू 8 टू द पावर 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल रहे हैं वैल्यूज। तो बच्चा बेस दोनों का अलग अलग है, हम लोगों को क्या करना होगा, बेस को सेम करना होगा। तो 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, और फिर इसके पावर में रहेगा 2x प्लस 1, और यहां पर ये हो जाएगा 2 का पावर 3x। कोई दिक्कत इसमें? यानी 2 का पावर 3x हो गया, और यहां पर होगा 2 का पावर 6x प्लस 3। कोई परेशानी इसमें? इसका मतलब हो गया 3x इक्वल्स टू 6x प्लस 3। अब तुम ही लोग x का वैल्यू बताओ। x का वैल्यू पूछ रहे हैं। अनिकेत तुम बिना सॉल्व किए बोल रहे हो और हमको गुस्सा आ रहा है इस बात से। तुम पेपर में सॉल्व करके हमको बताओ, बिना सॉल्व किए रैंडमली ऐसे ही गैस नहीं करना है, तुमको सॉल्व करना है खुद से। 1 होगा या -1 होगा? -1 होगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 5 के पावर में x प्लस 5 के पावर में x माइनस 1 इक्वल
इक्वल टू 750। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से, ये है 5 का पावर x प्लस 5 का पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 750। अब देखना बच्चा, ये क्वेश्चन को ध्यान से हम ऐसा बना रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, ब्रेन टीजर्स में, क्लास में होगा ऐसा क्वेश्चंस। अभी तुम लोग सीख लो, क्लास में तुम लोगों को जल्दी समझ में आएगा और आसानी से समझ में आएगा। देखो सबसे पहली बात, ये जो 5 का पावर x है उसको ऐसे ही लिख दिया, और ये जो 5 का पावर x माइनस 1 है ये एक्चुअली में है 5 का पावर x डिवाइडेड बाय 5। हाँ, हमको लग ही रहा था कि डाउट होगा। देखो जैसे हम लिखते हैं 2 का पावर 2x माइनस 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग कि 2 का पावर 2x इंटू 2 का पावर माइनस 1, क्या ऐसा लिखा जा सकता है इस चीज को? और इस 2 का पावर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/2। तो क्या ये 2 का पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 नहीं हुआ? मतलब इस माइनस 1 की वजह से ये 2 नीचे आया था, तो यहां पर भी माइनस 1 है, उसकी वजह से 5 क्या हो गया? नीचे आ गया। सबको क्लियर हुआ ये बात? इक्वल्स टू 750। अब यहां पे गौर करना, हमारे पास दो टर्म है, ये है पहला टर्म और ये है दूसरा टर्म, और इन दोनों ही टर्म में 5 का पावर x है। तो पहले वाले टर्म में अगर 5 का पावर x कॉमन ले लें, मतलब 5 के पावर x में 5 का पावर x को ही कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, और फिर प्लस 5 के पावर x में से 5 का पावर x कॉमन ले लिए तो 1 बच गया, लेकिन डिनोमिनेटर में 5 तो है, तो ये बन गया 1/5 इक्वल टू 750। क्या ये क्लियर हो गया तुम लोगों सबको? अब 1 + 1/5 जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5, और यहां पर हो गया 5 का पावर x इक्वल्स टू 750। ये 5 क्यों आया समझ में आ रहा है तुम लोगों को ना? एलसीएम लेना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो 5 का पावर x इंटू 6/5 इक्वल्स टू हो गया 750। अब हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, 6 से काटते हैं 750 को, तो कट जाएगा, 6 × 1 = 6, बच गया रिमाइंडर 1 और 5 = 15, तो 6 × 2 = 12, बच गया रिमाइंडर 3 और 0 = 30, 6 × 5 = 30, तो 5 का पावर x हो गया 125 टाइम्स ऑफ 5, गलत, देखो ध्यान से, ये वाला 5 से इसको काटना चाह रहा है तुम? अच्छा, इसको काटना चाह रहा है इससे, तो यहां 5 का पावर x है तो काट के क्या लिखेंगे? मान लो ऐसे काटते हैं तो काट के क्या लिखेंगे बताओ? अच्छा, ये 5 और 5 कट जाएगा डायरेक्टली। हाँ, एक बार देख लेते हैं जो तुम बात कह रहे हैं बच्चा, क्या वो सही है या गलत है, या हो सकता है हम ही गलत हो। एक बार चेक करते हैं कि दूसरा एग्जांपल लेकर के चेक करते हैं, ये बहुत बच्चों के कंफ्यूजन में रहता है। जैसे 2 का पावर 3, इसको हम 1/2 से डिवाइड किए, तो 2 और 2 काट के हम आंसर लिख देते हैं 3, तो क्या ये सही है? हाँ, अच्छा,
तो ये कटेगा क्या ऐसे जो तुम कह रहे थे? नहीं कटेगा। आगे समझ में बात, गड़बड़ क्या हो रहा था? ठीक, तो 5 का पावर x हो गया 125 × 5, यहां तक हो गया। ठीक है, 125 एक्चुअली क्या है? 5 का पावर 3 है ना, 5 का पावर 3 है ना, 125 तो 5 का क्यूब होता है, इसके साथ में मल्टीप्लाइड है 5। अच्छा, यहाँ 5 का पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? पावर 1, तो ये हो गया 5 का पावर 4, और यहाँ पर हो गया 5 का पावर x। इस हिसाब से x का वैल्यू क्या आया? 4 आ गया आंसर। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नहीं, टॉपिक है हमारा रेडिकल्स। रेडिकल के बारे में तुम लोग को बताया जा चुका है, फिर से हम बता रहे हैं। ये जो साइन होता है, इस साइन को हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं, और इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है। इस रेडिकल के कर्व के अंदर यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर ऐसे 3 लिखा हुआ है, तो इसका सीधा मतलब हो जाता है 10 का पावर 1/3। यहाँ जो लिखा है वो पावर के डिनोमिनेटर में बनेगा, पावर नहीं बनेगा, पावर के डिनोमिनेटर में बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर लिखा मिल गया 5√8, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 के पावर में 1/5, सही है? ठीक है, बस ये सिंपल सा चीज है, ज्यादा परेशान होने वाला कोई बात इसमें नहीं। रेडिकल का कुछ नियम होता है जो रेडिकल्स में चलता है, और वो सारा नियम तुम लोगों को पता है। एक बार फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं, हालांकि ये जो चीज है ये तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन एक बार पढ़ ले रहे हैं। इन जनरल द नंबर एक्स विच इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन एक्सेस इज बी इज डिनोटेड एज एनथ रूट ऑफ बी, रेड एज एनथ रूट ऑफ बी। समझना बात को, जब x^n का वैल्यू b हो जाए तो x को क्या लिख देंगे? nth रूट ऑफ b। आ रहा समझ में? जैसे जैसे समझना, मान लो कि 5 का क्यूब होता है 125, तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्यूब रूट ऑफ 125। आ रहा समझ में? बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई नंबर x है जिसके पावर n करने से b आता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट बी, सिर्फ रूट बी या nth रूट ऑफ बी? nth रूट ऑफ बी, क्योंकि जब तक हम ये n नहीं लिखेंगे इसका मतलब ये सिर्फ स्क्वायर रूट हो जाएगा, जबकि ये स्क्वायर रूट नहीं है बल्कि क्या है? nth रूट है, n टाइम्स वाला रूट है। ठीक है ना? तो जो पावर था वही यहां पे लिखाया उल्टा साइड होकर के, ये सब तुम लोग को पता है। ये जो साइन होता है उसको रेडिकल साइन कहते हैं, ये भी तुम लोग को बताया जा चुका है। जो नंबर प्रेजेंट होता है रेडिकल साइन के अंदर उसको रेडिकैंड कहते हैं, ये भी तुम लोग को पता है। और ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, बस वही सब समझ लो। इंडेक्स भी एक टर्म है। इंडेक्स क्या होता है? ये जो एन है ना, इसी को इंडेक्स कहते हैं। ये जो नंबर लिखाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 है इंडेक्स इसका। ठीक है, वो जो रेडिकल साइन के अंदर में नंबर लिखाता है ना, उसको इंडेक्स कहते हैं। ये नियम एन को इंडेक्स कहते हैं, और 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। इंडेक्स हमेशा एक नेचुरल। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये सब कुछ बेसिक सा रूल है। जैसे पहला देखो, अगर मान लो कि nth रूट ऑफ a टाइम्स b है, तो ये जो रूट है ये दोनों में लग जाएगा अलग अलग सेपरेटली। ऐसे ही मान लो nth रूट ऑफ a बाई b है, तो ये भी रूट दोनों में सेपरेटली लग जाएगा। मान लो कि nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a है, तो दोनों साथ में लग जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर nth रूट ऑफ
एट द पावर एम है, तो अगर इसके पावर में पी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंडेक्स में भी पी मल्टीप्लाई करना होगा। बाकी ये तुम लोग को तीनों आता ही है, 1 2 3, 1 2 3 तुम लोग को आता ही होगा, है कि नहीं? ए का पावर 1/q, q मतलब डिनोमिनेटर में है ना, पावर के डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाएगा q रूट ऑफ ए। इस तरीके से ए का पावर p/q, तो q जो है वो चला जाएगा रूट में, है ना, q रूट ऑफ ए टू द पावर p। ऐसी ए टू द पावर p/q को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। खैर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, रटना इसको कोई जरूरी नहीं है तुम लोग को, क्वेश्चन बनाते बनाते खुद ही याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलो आवाज आ रहा है ठीक से, स्क्रीन दिख रहा है? पहला क्वेश्चन, इंडेक्स ऑफ द फॉर्म पीएथ रूट ऑफ क्यू, इसका इंडेक्स क्या होगा? पी होगा इंडेक्स इसका। एक्स टू द पावर एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन, इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स टू द पावर एम। क्यों ऐसा होगा भाई? क्योंकि एक्स टू द पावर एम प्लस एन है, और नीचे जो एक्स का पावर एन है वो जब ऊपर जाएगा तो पावर में क्या लग जाएगा? नेगेटिव लग जाएगा, तो कट गया ये, तो सिर्फ एक्स टू द पावर एम बचा। अच्छा, एक्स वाई का होल पावर एन, तो एक्स का पावर एन इंटू, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए टू द पावर 1/n, ये कितना होगा बताओ? ए टू द पावर माइनस एन नहीं होगा, नहीं, पावर में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, रेडिकल में नहीं करना, एक्सपोनेंट में करना है। क्या क्या कह रहा है? ए है और एन है, तो क्यू कैसे आ गया इसमें? इसका आंसर हो जाएगा ए टू द पावर माइनस 1/n। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सिखाया गया ना तुम लोग को, तो मतलब तुम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि ए टू द पावर 1/n में, ए टू द पावर 1/n में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि वो 1 हो जाए, ये निकालना है तुमको। तो जो निकालना है उसको ऐसे ही छोड़ दो और इस टर्म को नीचे ले आओ, तो 1/a टू द पावर 1/n, ठीक है? अब 1/a को जब हम a लिख देंगे तो पावर जो 1/n है उसमें साइन चेंज हो जाएगा ना, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये जो नीचे में a का पावर 1/n है उसको ऊपर ले गए तो बस पावर में साइन क्या हो गया? चेंज हो गया, 1/n में नेगेटिव लग गया तो क्या बन गया? माइनस 1/n। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a का पावर माइनस 1/n, ठीक है? चलो नंबर 5 का बताओ, तो क्या लिखा हुआ है? इन एक्स टू द पावर एन, एन इज, एन को क्या बोलते हैं? एन को बोलते हैं पावर, इंडेक्स नहीं बोलते हैं। इंडेक्स तो ये होता है, ये वाला, ये इंडेक्स होता है पी, और एक्स को क्या बोलते हैं? बेस। अच्छा, एक्स के पावर में एम के पावर में एन, या फिर एक्स के पावर में एन के पावर में एम, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ इक्वल है, क्योंकि
एम को एन से करो या एन को एम से करो, इक्वल आएगा। चलो अगला क्वेश्चन। विच राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड रेडिकल फॉर्म, दोनों में लिखना है। क्यूब रूट ऑफ 729। आहा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म में लिखना है। पहले क्वेश्चन को सुनो ध्यान से। तो क्यूब रूट ऑफ 729 सॉल्व थोड़ी करना है तुमको, तो सॉल्व करके तुम 9 बता रहे हो आंसर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम क्यूब रूट लिखते हैं, हाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब कि उसको पावर में लिखना है, तो 729 का पावर 1/3। और रेडिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तब कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 729। ऐसा इसी तरीके से फिफ्थ रूट ऑफ 1990, तो क्या लिखेंगे 1990 के पावर में 1/5। और यहां पर हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 1990। सही है, ये हो जाएगा 2001 का पावर 1/2, और यहां पर डायरेक्टली रूट अंडर 2001 है ना। सेवेंथ रूट ऑफ 777 का मतलब हो गया 777 के पावर में 1/7, और यहां हो गया सेवेंथ रूट ऑफ 777। क्लियर हो गया चारों? चलो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को लिखो कॉपी में, सभी बच्चे। 1 आ रहा आंसर। एक बच्चे का आंसर 1 आया, दूसरे का क्यू का पावर माइनस क्यू। अच्छा, और तो कट के 1 हो गया तुम्हारा ना। और किसी का आंसर? क्यू का पावर माइनस क्यू, दो बच्चे का है। और सबको ट्राई करना था, कुछ बच्चे ट्राई भी नहीं किए शायद। चलो देखो यहाँ पे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सभी में बेस क्यू है, इससे हमको आसानी हो गया, सारा का बेस क्यू है। तो ऊपर में लिखा हुआ है क्यू के पावर में 3 - 7 क्यू, उसके बाद ये जो पावर है 6 - 2 क्यू, ये ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 6 - 2 क्यू। नीचे में बच्चों क्यू के पावर में है 2 क्यू, फिर 9 - 2 क्यू, तो कर दो 2 क्यू + 9 - 2 क्यू, और इसके पूरे के पावर में कितना है 1/9। अब जो न्यूमरेटर है उसका टोटल पावर, बच्चों नंबर्स में नंबर्स को जोड़ते हैं है ना, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इस 3 और 7 क्यू का कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, लेकिन इस 3 को इस +6 के साथ ऐड करके हम 9 लिख सकते हैं। इसी तरीके से -7 क्यू और -2 क्यू, ये हो जाएगा -9 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू के पावर में। ये जो 2 क्यू है उसमें से ये 2 क्यू कट गया और सिर्फ बचा क्या पावर 9, और इस पूरे के पावर में 1/9। कोई परेशानी किसी को? अच्छा
ये क्यू नहीं था, ये नाइन था, इसको क्यू क्यों लिख दिया, ये तो नाइन है, ठीक है। अब ये जो क्यू का पावर नाइन है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में नेगेटिव लगेगा, कहने का सेंस नाइन माइनस नाइन क्यूब माइनस नाइन, और इस पूरे के पावर में वन अपॉन नाइन, समझ में आया यहां पर। प्लस नाइन और माइनस नाइन कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद जो बचा वो हमारे पास है क्यू के पावर में माइनस नाइन क्यू, और इसके पावर में वन अपॉन नाइन। जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये नाइन इस नाइन से कट के आंसर दे देगा क्यू की पावर में माइनस क्यू, ठीक है। ये हो गया आंसर, क्लियर हो गया सबको। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलो कोई बात नहीं बच्चा, गलती होता है, लेकिन समझ में आ गया ये वाला, आगे बढ़े। चलो अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसा डेसिमल देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चन हम एक समझा रहे, तुम लोगों से बन जाएगा, सारा बन जाएगा, हम एक बनाते रहे तुम लोग के लिए नंबर थ्री, उसके बाद फिर नंबर वन और नंबर टू तुम लोग आसानी से बना लोगे, और जब वन और टू बना लोगे तो तुम लोगों से फोर भी बन जाएगा। तो नंबर थ्री हम बना रहे तुम लोग के लिए, देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ रूट टू इक्वल्स टू इतना, रूट टू का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में, ऐसे ही रूट थ्री का भी वैल्यू दे दिया है और रूट फाइव का भी वैल्यू दे दिया है, और ऐसा हमको उम्मीद है कि तुम लोग सभी बच्चों को रूट टू रूट थ्री और रूट फाइव का ये जो वैल्यूज है वो कैसे आया ये तुम लोगों को पता होगा। ये हम लोग सीख चुके हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। तो यहां पे हम लोग अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस लिए हैं बच्चों, तो रूट टू रूट थ्री रूट फाइव का वैल्यूज दे दिया है, उसके बाद हमको इन चीजों का वैल्यू निकालना है। मान लो कि हम नंबर थ्री वाला कर रहे हैं, तो नंबर थ्री में है रूट ओवर 128 प्लस रूट ओवर 48। अब रूट 128 है, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 128 इसके लिए हमको 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। एक्चुअली में 128 जो है ना बच्चों, ये हमको याद भी है, ये 2 का पावर 7 होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो करते हैं 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 टाइम्स, कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 2 टू दी पावर 7। अब ये जो 2 टू दी पावर 7 आया है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम रूट के अंदर ऐसे लिखते हैं, देखना ध्यान से, रूट के अंदर में 2 को कितनी बार, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार लिख दिए 2 को। इसके साथ प्लस में रूट ओवर क्या था, 48 था बच्चा, माइक ऑफ कर लो जिसका माइक ऑन है। ये जो 48 है, इस 48 को भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 के पावर में 24, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम्स में आएगा, फिर 2 से 12 टाइम्स में, फिर 2 से 6 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में, मतलब इस 48 के बदले हम देखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। और बच्चों चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में ही हम लोग सीखे हैं कि जितने नंबर्स का दो दो का पेयर बन जा रहा है उतने पेयर्स को बाहर निकाल दो, और जो बच गया उसको रूट के अंदर ही छोड़ दो। मतलब यहां पे 1 2 3 पेयर बना था 2 का, तो हम 3 2 को बाहर निकाल दिए,
और एक जो टू है ये वाला टू वो रूट के अंदर ही रह गया। इसी तरीके से दो पेयर यहाँ पे बन रहा है टू का, तो दो पेयर हम बाहर निकाल ले रहे हैं, मतलब टू इंटू टू, मतलब हर दो के बदले एक निकाल लेते हैं, और रूट के अंदर में ये जो नंबर है थ्री अनपेयर्ड वो वहीं वैसा रह जाता है। अब क्या तुम लोग बता सकते हो टू टाइम्स टू टाइम्स टू क्या होता है? एट, ये हो गया 8√2। और टू टाइम्स टू क्या होता है बच्चा? फोर होता है, 4√3। यानी हमारे पास इसका फिलहाल जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 8√2 + 4√3। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू भी दिया हुआ है √2 का और √3 का, इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो 8 के साथ में √2 मल्टीप्लाइड है, √2 का वैल्यू है 1.414, फिर प्लस 4, 4 के साथ में √3 मल्टीप्लाइड है बच्चा, और √3 का वैल्यू है 1.732। क्या तुम लोग इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सम कर पाओगे? ऑनेस्टली करना है सभी बच्चों को, किसी को भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। बताओ। अच्छा, एक बच्चे का ये आंसर है, देखो चेक कर लो, बाकी बच्चे आंसर बताओ। अच्छा, एक बच्ची का आ रहा है 11.312। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें एक और बच्चा आंसर दे दिया। क्या हो गया, बाकी लोगों का आंसर्स क्यों नहीं आ रहा है? इलेवन पॉइंट थ्री वन टू। अच्छा, ये तीन बच्चों का आंसर आ गया। अच्छा, चार बच्चों का यही आंसर आया, 11.312, 18.540। अच्छा एक बार हम भी सॉल्व करते हैं, अगर कुछ गलती होगा तो तुम लोग बताना। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 4 जार 32, का 2 कैरी 3 है, 8 1 जार 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 8 4 जार 32 और 1 33 का 3 कैरी 3, 8 1 जार 8 और 3 11, 11.312 प्लस 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 का 2 कैरी 1, 4 7 28 और 1 39 का 9 कैरी 2, 4 1 जार 4 और 2 6। फोर टू जार एट, 4 3 जार 12 का 2 कैरी 1, 4 7 28 29 का 9 कैरी 2, 4 2 6। ऐड करो 2 और 8, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, 9 3 12 का 2 कैरी 1, 2
और 6, 8 और 1, 18.240 हो गया आंसर। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब क्या ये प्रोसेस तुम लोग को समझ में आया? तो इस हिसाब से तुम लोग सॉल्व कर लोगे नंबर 1 वाला। चलो √98 का वैल्यू बताओ फिर। आंसर बताओ, 7 का √2 नहीं बताओ, आंसर बताओ। तो एक दिया है ना, √2 दिया है ना बच्चा, √2 का वैल्यू पुट करो। तुम यही कह रहे हो ना, √98 होगा 7 √2। तो भाई √2 का वैल्यू ये जो है उसको पुट करके मल्टीप्लाई करोगे ना। हाँ चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तुम लोग इस क्वेश्चन को लिखो, √75 माइनस 3√12, 2√75 माइनस 3√12, और ये √2 √3 √5 का जो वैल्यू है उसको भी लिखो, वैल्यूज को भी लिखो। और इसको सॉल्व करके तुम लोग भेजोगे क्लास खत्म होने के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है और हमको लग रहा है कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये देखो प्रीवियस वाला। पढ़े आगे। चलो ये क्वेश्चन आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इफ 21168 21168 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 3 इंटू जेड स्क्वेयर, देन फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर वाई प्लस जेड बाई एक्स प्लस वाई। अब ये देखने में क्वेश्चन हमको लग रहा है कि यार कैसा क्वेश्चन है, इतना बड़ा भारी हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरा विश्वास करो तुरंत बन जाएगा तुम लोगों से। ये जो 21168 है बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तुम लोग सही से कर दो। तो 21168 का हम लोग कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 21168 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तुम लोग बस बताते जाना क्या करेंगे। सबसे पहले 2 से दे रहे डिवाइड, तो हो जाएगा 1, उसके बाद 0 5 4, सही है। फिर सही कह रहे हैं हम लोग। फिर 2 से करेंगे, 2 से देंगे तो 2 2 4 बच गया 1 और 2 12, 2 6 12, 2 4 8, 2 6 12, 2 6 4 6, सही है। फिर 2 से 1 3 2 3, इसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 बच गया 1 और 2, 3 4 12, और फिर 3 1 3, फिर 3 से करेंगे तो फिर 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, फिर 3 से 49 टाइम्स में, फिर 7 से 7 टाइम्स। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 21168 का। यानी कि जो 21168 है इसका वैल्यू हमको मिला 2 के पावर में, कितनी बार मिला 2 बच्चा? 4 बार 2 मिला। 3 कितनी बार मिला? 3 बार मिला। और 7 कितनी बार मिला? 2 बार मिला।
और इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वेयर, है ना। अब जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स, हमको क्या मिल जाएगा बताओ बच्चा, जिस चीज के पावर में 4 है उसका बेस क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, तो एक्स क्या मिल जाएगा 2, यहां पे 3 के पावर में 3 है, यहां पे वाई के पावर में 3 है, तो y कितना मिल जाएगा 3, और इसी तरीके से z कितना मिल जाएगा 7। तो क्या अब तुम लोग x प्लस वाई प्लस जेड निकाल पाओगे, जाएगा नहीं है, तो फिर इसको लिख देंगे हम लोग 12 के पावर में, जो हमको सॉल्व करना है, इस चीज का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जिसका वैल्यू चाहिए 12 के पावर में कितना, y प्लस z, y प्लस z हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय x प्लस y, इसका मतलब 5 हो गया, तो ये 2 टाइम्स में कट गया ना पावर में, यानी 12 का पावर 2, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 144। क्या क्वेश्चन हार्ड लगा तुम लोगों को, नया तरह का क्वेश्चन है ना। हाँ, तो देखने में क्वेश्चन हार्ड लगता है बहुत, लेकिन क्वेश्चन हार्ड है नहीं, क्लियर हो गया। जो नंबर यहां पे दिया हुआ है 2116, इसका वैल्यू ऐसा दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 इंटू वाई का पावर 3 इंटू जेड का पावर 2, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 12 आया, उसके बाद उसके पावर में है वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड कितना होगा बताओ, वाई प्लस जेड कितना होगा, y प्लस जेड कितना होगा और x प्लस वाई कितना होगा, तो पावर में 10/5 हो गया ना, 12 के पावर में 10/5, 10/5 मतलब 2 होता है, क्योंकि 5 से 10 कट जाता है 2 टाइम्स में, तो 12 के पावर में 2 रह गया, तो 144 हो गया आंसर। सबको समझ में आ गया, तो आज आज बच्चा लोग हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, बहुत तरह का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हैं, और एक तो ये क्वेश्चन किए, उसके बाद ऐसा वाला क्वेश्चन किए रूट वाला, उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म लिखे, सिंप्लीफाई भी किए, जिसका आंसर क्यू का पावर माइनस क्यू आया, फिर कुछ क्वेश्चंस को किए थे, है ना, उसके बाद रेडिकल्स क्या होता है वो सीखे, रेडिकल साइन, इंडेक्स, रेडिकेंड, ठीक है, ये सब चीज देख लिए, और एक ये क्वेश्चन किए थे आज हम लोग, जिसमें से एक्स का वैल्यू निकाले थे, और मेरा ध्यान देना बच्चा बात को, ये क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें भी खास करके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 के टाइप का जो क्वेश्चन होता है, और 5 के टाइप का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, परेशान होने का कोई बात नहीं है, सब चीज तुम लोग को समझ में आ चुका है, कोई तो चिंता वाला बात नहीं, क्लियर हो गया। तो कुछ तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। हाँ, जो क्वेश्चन अभी एक तुम लोग को दिए थे ना, ये वाला बनाने के लिए, ये वाला नंबर 4 बन करके, नहीं मेरे पर्सनल मैसेज में करो, ग्रुप में मत भेजना, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करो, ग्रुप में मत डालना। चलो, तो क्लास को ऑफ करें हम लोग।